राजनीतिक विसंगतियों पर कविताएं लिखता हूँ, हास्य व्यंग की पैरोडियां, गीत देशभक्ति के प्रति गीत सब लिखता हूँ। बड़े जिम्मेदार लोगों के समक्ष खड़े होकर के कविताएं सुनाऊंगा, उससे पूर्व भी काफी अच्छी अच्छी कविताएं हुई, लगभग पाकिस्तान निपट ही चुका है। थोड़ा बहुत बचा है वो बाद में कोई और निपटा देगा। मैं पाकिस्तान वाकिस्तान पे कविता नहीं लिखता हूँ, मेरा मानना ये है दो कौड़ी के देश के ऊपर अपनी करोड़ों की कविता बर्बाद नहीं करनी। क्या बात है, क्या बात है। मैंने एक बहुत दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले जी। मैं थोड़ी बहुत बातें भी करूंगा आज, क्योंकि हास्य का कवि हूँ, लेकिन पुलवामा के हमले के बाद से मेरे मन में भी काफी आक्रोश है। लेकिन एक कवि का कहने का तरीका अपना अलग होता है, हर कवि का कहना अपना अलग होता है, मेरा कुछ कहना अलग है। मैंने कुछ दिनों पहले इस बंबई की एक आवाज सुनी थी किसी अभिनेता की कि हमें डर लगता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस आवाज का समर्थन करने वाले इस हॉल में तो नहीं है। एक बार मुझे आपकी वो तालियां सुननी है जो बाला साहब की दहाड़ के रूप में पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया ये तालियां कमजोर है। एक बार दोनों हाथ पकड़ लेकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इस देश में कहीं से आवाज नहीं आई। जो जो सैनिक सर, कितने अपाहिज बच्चे मैंने देखे, एक 90 साल के बुजुर्ग बोल रहे थे कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे बम बांध के फेंक दो पाकिस्तान पे। मैंने कहा यार आपको क्यों फेंकेंगे, वो जो आतंकवादी पाल रखे इतने दिनों से बिरयानी खिला रहे हैं जिनको, वो किस दिन काम आएंगे, बांधो उनमें और फेंक दो। क्या बात, क्या बात है। मरने से देश नहीं चलेगा, मरने से काम नहीं चलेगा, मारना होगा। खैर ये मेरा वीरस था, इतना ही था। उसे खत्म करता बहुत अच्छा सदन है, बड़ा खूबसूरत सदन है और इतना व्यवस्थित, इतना खूबसूरत मंच है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम तो अंदर आए, एक छोटी सी गली से अंदर आए, फिर काफी मतलब गलियों गलियों में से ऊपर स्टेज के पीछे आए, लेकिन सुंदर, बहुत बहुत व्यवस्थित, इतना सुंदर। एक बार तो मुझे राम रहीम की गुफा की फीलिंग आने लगी। अच्छा है। थोड़ी बहुत तालियों की टाइमिंग ठीक रखना, ये गलत है। अभी नहीं, अभी आप खुले नहीं, अभी आप मेरे लायक हो जाओ थोड़ा सा। तालियों की टाइमिंग ठीक रखना, टाइमिंग गलत होने से बहुत फर्क पड़ता है, गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं सर। तालियां, कोई भी चीज की टाइमिंग गलत रखिए, अब जैसे इनके उठ के जाने की टाइमिंग गलत है, टाइमिंग ठीक रखिए, हर चीज की टाइमिंग। देखो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था लोकसभा के अंदर कुछ दिन पहले, क्या शानदार भाषण दिया था, हिला के रख दिया, एक बार तो लगा भूकंप आ गया। मैं तो कहने वाला था प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, इतना बोलने ही वाला था कि टाइमिंग गलत हो गई, उनने आप मार दी। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। टाइमिंग गलत हुई, काम बिगड़ गया। चार पंक्तियों से शुरू करता हूँ, एक बार मुझे खोल देना, मैं भी आपके सामने कुछ अपनी बातें करूंगा, आपकी बातें करूंगा, सुनिएगा। कि जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई पटवा दी। वाह, आप भी कीजिए जैसे ही कहें वहां वैसे आपको करना है। कि जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई पटवा दी, जो गरिमा पूर्ण रिश्ते थे उन्हीं की नाक कटवा दी। वाह, किसी ने आंख मारी थी भरी संसद में बस यूं ही। हाँ। किसी ने आंख मारी थी, देखो मुझे शुरू कर देना चौथी पंक्ति में, मैं बहुत लंबी यात्रा से आया हूँ, बुखार के बाद भी मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ हालांकि, लेकिन कल तक बुखार में था। मेरा बुखार उतार दो, मैं साल भर तक अपने आप को भूलने नहीं दूंगा आपको। क्या बात, सुनना। कि जो खाई शेष थी पश्चिम से वो खाई ही पटवा दी, जो गरिमा पूर्ण रिश्ते थे उन्हीं की नाक कटवा दी। किसी ने आंख मारी थी बड़ी संसद में बस यूं ही, गलत फहमी में सुप्रीम कोर्ट ने धारा ही हटवा दी। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इधर के कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे छप्पी लगाए, छप्पी लगाए बीच सदन में मोदी जी हंस हंस के हारे, ये क्या कर दिया रे की लड़का। लड़का आंख मारे, अरे जहां जहां जाए ये मोदी मोदी गाए, जितना रटाया है उतना ही गाए, 15 मिनट के एपिसोड में 14 मिनट के है नारे, ये क्या कर दिया रे की लड़का। बहुत
बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत ताजा ताजा सुनाऊंगा। अभी अभी आपने कहा था शायद ना कि वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। ये अच्छा है कि राष्ट्रवादियों में गठबंधन हो गया, नहीं तो एक राष्ट्रवादी ताकतों को हराने के लिए 40 चोर भी इकट्ठे हो चुके हैं देश में। क्या बात है, क्या बात है। एक का भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश जैसा गठबंधन तो देखने को नहीं मिलेगा। वो मायावती जी के हाथियों के विरोध में अखिलेश जी ने सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगवा रखे, गठबंधन इधर कर रहे हैं। अद्भुत काम है, मतलब कैसे भी सत्ता चाहिए। खैर मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कोई वो नहीं हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी नहीं करता हूँ, जो देख रहा हूँ सब बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरे विचार आपसे टकरा जाए तो समर्थन कीजिएगा। बड़ी ईमानदारी से जो देखते होंगे हमें टेलीविजन पे, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर, ऐसा बोलना पड़ता है। अभी गठबंधन हो रहे थे, अभी कुछ दिन पहले हो गया था, किसी भी पार्टी को वोट दे दो सरकार भाजपा की बन जाती। मेघालय, गोवा, बिहार में बाकायदा लालू जी को वोट दिए, नीतीश कुमार जी को वोट दिए, सरकार भाजपा चला रही है। मुझे लालू जी मिले, मैं कहा लालू जी आपका चुनाव चिन्ह लाल देन और आपके देन लाल देन। अच्छा है, अच्छा है। मैं बार बार कह रहा हूँ टाइमिंग सुधार लो, मैं हर बार तालियों के लिए इंतजार नहीं करूंगा। आप तो ये मान के चलना मैं जो कह रहा हूँ वही सब ठीक है। मैंने कहा लालू जी आपका चुनाव चिन्ह लाल देन, आपके देन लाल, फिर भी बुझ गई। तो लालू जी ने जवाब दिया, मुझे शुरू कर देना, थोड़ा वॉल्यूम हल्का सा बढ़ा दो इसका, आज मेरा कम है। सुनना लालू जी का जवाब, लाल टेनवा, अरे लाल टेनवा, बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। और भाजपा ने फूंक दिया हायर धोखे से, कुछ गया रे मेरा हवा के झोंके से। बस ऐसे ही कीर्तन करना है कि जैसे तैसे किया था सेटल अपने टॉपर में दोगो, चारा कटने के पहले ही छीन लिया पर खेतों को। हो मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया हाय तौबा, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से। और भाजपा ने फूंक दिया हाय रे धोखे से, कुछ गया रे मेरा हवा के धोखे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप मेरे लायक होते जा रहे हैं। एक गठबंधन और टूटा सर, बड़े लोग बैठे हैं, एक गठबंधन और टूटा, वो महबूबा का और भाजपा का। मुझे भाजपा के नेताजी मिले, मैंने कहा नेताजी क्या हुआ, टूट गया? कह लगे हाँ टूट गया। मैंने क्यों टूटा, तो उन्होंने जवाब दिया, सुनना, कि पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा है। पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, आपने नहीं, मैंने छोड़ दिया। उसकी काली करतूतों का पूरा भांडा खोल दिया, मैंने छोड़ दिया। अच्छा है, अच्छा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी टाइमिंग आप ही सुधारो। बहुत बढ़िया, मैं पहली बार इनके साथ हूँ, लेकिन इनके मेरे पास मुक्तक रोज आते रहते हैं, बड़ा प्रशंसक हूँ आपका। सुनिएगा, कि पत्थरबाजों की बुआ से गठबंधन को तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। उसकी काली करतूतों का पूरा भांडा फोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। कि रोजे में रोज दे के आदर किया, घाटी में हमने सीज फायर किया, बदले में सैनिकों को पत्थर मिले, पंचर अहिंसा का टायर किया, अरे गठबंधन के चलते भेजा कैचअप हो गया, ऑल आउट में चार मरे फिर ये सब हो गया, कल भाजपा का महबूबा से ब्रेकअप हो गया, महबूबा से ब्रेकअप हो गया, कल भाजपा का। पश्चिम बंगाल में तो सर कमाल का ही काम हो गया। देखिए मैं बिल्कुल अपडेटेड कवि हूँ, क्योंकि हर हफ्ते लिखना है, हर हफ्ते टीवी पे सुनाना है। आपने देखा होगा वो सीबीआई गिरफ्तार कर ली दीदी ने पश्चिम बंगाल में, कमिश्नर साहब के पास सर पहुंची सीबीआई गिरफ्तार करने के लिए, कैसे पहुंची, हाथ में लौंग और इलायची और खड़ी है कमिश्नर साहब के घर के सामने। सुनना था, बिल्कुल
किले के लौंग और इलाची। हाँ, हाँ। मैं अब कर रहा हूँ बिल्कुल। किले के लौंग और इलाची सीबीआई यासी यासी। पंजाबी पैरोडी बंगाली तो कांड। किले के लौंग और इलाची सीबीआई यासी यासी। खाऊं भात और माछी। बंगाली खाऊं भात और माछी करने दूना पूछा ताची। वे मैं बंगाली दहाड़ो वाली नार में मुंडे आए के खाद की तालियां ताल के साथ मिलनी चाहिए। पहले सुन लो। अरे पहले सुन लो टाइमिंग। किले के लौंग और इलाची सीबीआई यासी यासी। खाऊं भात और माछी करने दूना पूछा ताची। वे मैं बंगाली दहाड़ो वाली नार में मुंडिया कर ली किसी भी आई भी कर ली गिरफ्तार बे मुंडिया। मैं बंगाली दहाड़ो वाली नार बे मुंडिया कर ली सीबीआई भी कर ली गिरफ्तार। बहुत अच्छे अद्भुत काम है। कमाल के काम है। वो गठबंधन बहुत ज्यादा चल रहा है। गठबंधन ये भी आ जा तू भी आ जा। मैं समझ में नहीं आ पाता ये होगा क्या। अगर सरकार बन गई तो होगा क्या। रैली और पदयात्रा अब करेंगे मैं और तू। हमें देख सोचेगी